हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज रही आपण मानक मॉक टेस्ट, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रही कारण एठारे आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक ही डिस्कस करवा जहाँकि विभिन्न एग्जाम आसी। तो से भिडटी को स्किप न करी स्टार्ट टू एंड पर्यंत निश्चय देखिए। आउ जदि आम चैनल को फर्स्ट टाइम पर विजिट करते तेज निहाती सब्सक्राइब कर दिंतु। तो एठारे आमे प्रथम इंग्रजी 10टी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, द चिल्ड्रेन डैश हु एंड द स्कूल बस एरिव्ड। चिल्ड्रेन माने खेलुले जिते बेले स्कूल बस आसला। द हु एंड द स्कूल बस एरिव्ड माने पास्ट टेंस रे। तो यठार हेज हेबो नहीं किंबा हेज बीन मध्य हेबो नहीं किंबा आर मध्य यूज हेबो नहीं जहाँकि प्रेजेंट रे यूज होता है। तो करेक्ट आंसर टी कौन हम वेयर प्लेइंग। तो ऑप्शन 4 होठारे करेक्ट आंसर। तो आपण यहीपरी एलिमिनेट करी मध्य आंसर गुड़िक इजिली करें। तो देखो द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग व्हेन द स्कूल बस एरिव्ड। तो ऑप्शन 4 होठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता बॉट डैश ऑरेंज हर मदर इज डैश यूरोपियन। तो यठार आर्टिकल रो गोटे क्वेश्चन रही। तो देखो ऑरेंज, तो ऑरेंज रे अर साउंड आसकि भावेल अटे तेणु एठार कौन यूज हे एन रूज हे अमृता बट एन ऑरेंज। तापर हर मदर इज डैश यूरोपियन तो यठार यू राउंड आसूँ तो ये कनसोनेंट साउंड आसूँ तेणु एठार ए रो यूज हे। तो यठार एन एवं ए रो यूज हे तो एन ऑरेंज एवं ए यूरोपियन। तो एन आउ ए के ऑप्शन रे रही तो यह रही ऑप्शन बी रे। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। अमृता बट एन ऑरेंज हर मदर इज ए यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट येट। तो तुम्हें तुम्हारे असाइनमेंट सबमिट करना हो तो यह को आम पेसिव रे चेंज करवा। तो एक्टिव वॉइस को पेसिव रे चेंज करने दुईटी जिनस मोस्ट इम्पोर्टेंट रही। तो प्रथम आम सब्जेक्ट भर्ब एवं ऑब्जेक्ट बाची नवा। तो यठार सब्जेक्ट यू आउ भर्ब हो सबमिटेड आउ योर असाइनमेंट तो यह हूँ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब आउ ऑब्जेक्ट तो यह एक्टिव वॉइस रे परे थाए। तो पैसिव रे चेंज कले ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट होता है। तो देखते यह क्यों टेंस रे रही तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे रही। तो यह को पैसिव रे कले कौन हम तो हेल्पिंग वर्ब सहित बीन रो यूज हे। तो प्रथम स्टार्ट हे ऑब्जेक्ट रु ऑब्जेक्ट कोटा योर असाइनमेंट। तो योर असाइनमेंट स्टार्टिंग रे रहिबो। तो देखो समस्त ऑप्शन रे योर असाइनमेंट रही। योर असाइनमेंट तो असाइनमेंट जहाँकि सिंगुलर रे रही तेणु यठार हेज रो यूज हे। तो देखो ऑप्शन 2 रे हेज रही, ऑप्शन 1 रे रही, आउ ऑप्शन 4 रे रही, ऑप्शन 3 रे नहीं। तो ऑप्शन 3 हे नहीं। तापर हेज ने नॉट रो यूज हे तो ऑप्शन 2 रे नॉट नहीं। तो दुईट ऑप्शन कटिजी आती कौन यूज हम हेज नॉट परे बीन रो यूज हे। तो देखो ऑप्शन 4 रे बीन नहीं तो ऑप्शन 4 मध्य नहीं। तो करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन 1, योर असाइनमेंट हेज नॉट बीन सबमिटेड येट। तो ऑप्शन 1 होठार करेक्ट आंसर। तो जेहेतु यह क्यों टेंस रे रही प्रेजेंट परफेक्ट रही तो से यह को पेसिव कले बीन रो यूज होता है बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2000। तो मुझे प्रोजेक्ट रे 2000 मसीहारु रही माने रही आसुच एपर्यंत मध्य चलुच माने कंटिन्यूस। तो यह क्यों टेंस रे रही तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रे रही।
तो करेक्ट आंसर टी कौन हम हैव बीन वर्किंग। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2000। तो ऑप्शन वन हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। तो यह डायरेक्ट स्पीच रे रही, तो यह आम इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज करवा। तो आकाश सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, तो यठार विश कर आकाश, तेणु यठार इनडायरेक्ट रे कले कौन हम आकाश विश्ड हर, तापर दैट रो यूज हम हर माने ताकू कही, तो यू जगार कौन हम सी रो यूज हम। तो आकाश विश्ड हर दैट सी, सी पर कौन हम मे हे ना माइट। तो देखु इनडायरेक्ट स्पीच रे कले माइट रो यूज हम, तो मे माइट रे चेंज हो। देखु ए दुईट ऑप्शन रे माइट नहीं, ऑप्शन वन रे मध्य माइट नहीं, तो ऑप्शन टू रे ही केवल माइट रही। तो आकाश विश्ड हर दैट सी माइट लिव लॉन्ग, तो ऑप्शन टू हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सॉ द एरोप्लेन फ्लाई आउट डैश द माउंटेन, तो ओवर द माउंटेन, तो यठार ओवर र यूज हम, तो ऑप्शन वन हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यठार चारोटी सेंटेंस दिया जाए, तो ये भीतर कौटा करेक्ट रही। तो ऑप्शन वन देखु ही गेव मी एन एडवाइस, तो देखु एडवाइस जहाँ हो गए अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन रे आर्टिकल रो यूज हो न था, तो ऑप्शन वन इनकरेक्ट हो। ऑप्शन टू रे देखु द लॉयर्स प्रोवाइड द मीनिंगलेस एविडेंसेस, तो एविडेंस तो यह गोटे अनकाउंटेबल नाउन, तो ये एस ई एस रो यूज हे ना, तो ऑप्शन टू मध्य इनकरेक्ट रही। ऑप्शन थ्री रे देखु इन वेकेशन वी शैल गो टू पुरी, तो देखु वेकेशन रे मध्य एस रो यूज हुए ना, तो यह मध्य गोटे अनकाउंटेबल नाउन, तो ऑप्शन थ्री मध्य भूल रही। नेक्स्ट देखु द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, तो यह करेक्ट रही, तो कैटल सहित आर रो यूज होता है माने प्लुराल हेल्पिंग वर्ब रो यूज होता है, तो यह करेक्ट रही। तो यठार करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन फोर द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश कमिंग, तो यठार देखु द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो जी प्रिंसिपल से सेक्रेटरी, तो जन को ही बुझाऊँ, तेणु एठार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रो यूज हम, तो यठार इज रो यूज हम द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी इज कमिंग, तो ऑप्शन वन हो करेक्ट आंसर। किंतु जदि एठार द सेक्रेटरी दे था तेब यह दुई जन को बुझाई था, तो यह गोटे स्पेसिफिक, तो प्रिंसिपल अलग होते आउ सेक्रेटरी आउ जड़े होते, तो से आम कौन यूज करते आर रो यूज करते, किंतु एठार प्रिंसिपल जी सेक्रेटरी मध्य सी, तेणु एठार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रो यूज हम, तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस ऑफ हाउसिंग एरोप्लेन, तो गोटे स्थान जोठारे कि एरोप्लेन गुड़िक रखा जाए, तो ताकू कहा जाए हैंगर, तो ऑप्शन वन हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर, तो टाइगर र स्त्रीलिंग कौन हम टाइग्रेस, तो ऑप्शन टू हो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हो ट्रांसलेशन रोटे क्वेश्चन, अल्प विद्या भयंकरी, तो यार अर्थ कौन हो लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरियस थिंग, तो अल्प विद्या भयंकरी माने कौन लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरियस थिंग, तो ऑप्शन टू हो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट रही ओडिया ग्रामर क्वेश्चन, तो देखु सठिक वाक्यटी बाछ,
तो एठारे क्यों वाक्यटी ठीक रही तो देखो प्रथम रही मूषा। तो मूषा किपरी होता है मरे दीर्घ उकार और मूर्धन्य स। तो ऑप्शन थ्री कटिज। तापर गणेश तो गणेश होता है। तापर मूषा गणेश बाहन बाहन हुए ना बाहन होता है तो बाहन होता है तो बाहन होबना तो मूषा गणेश बाहन अटे। तो ऑप्शन टू हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाटी एपरी ड्रेस जहाँ कह ता कर। तो पिलाटी एपरी नछड़ बंधा जहाँ कह ता कर। तो ऑप्शन थ्री हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देश के फांक नई के बांक लोकवाणीटर अर्थ कौन भिन्न स्थान रे भिन्न चलनी। तो ऑप्शन टू हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम वेट्स फॉर नॉन। तो समय कहारी को अपेक्षा करे नहीं। तो ऑप्शन थ्री हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही आज बैठक को बातिल करागला तो यह ट्रांसलेशन कले कौन हम द मीटिंग शेड्यूल टुडे वाज कैंसल। तो आज जो मीटिंग शेड्यूल होता तो ता कैंसल हो गला। तो ऑप्शन ए हम ना टुडेज मीटिंग हेबना द मीटिंग शेड्यूल टुडे वाज कैंसल। तो मीटिंग जहाँ कि नॉन लिविंग अटे तेणु यठार एपोस्ट्रोफी एस रो यूज होबना। तो करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन टू द मीटिंग शेड्यूल टुडे वाज कैंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वाक्य चिह्नट कर। तो यह कौटा ठीक रही तो से निर्धनी हेले भी निरोगी अटंती। तो निरोगी हो न थाए आ निर्धनी मध्य हो न थाए तो निर्धन होता है। तो ऑप्शन टू मध्य कटिज। थ्री देखु से निर्धन हेले भी निरोग अटंती। तो यह करेक्ट रही तो निर्धन हीपर होता है और निरोग होता है निर्धनी हो न थाए और निरोगी मध्य हो न थाए तो निरोग हो करेक्ट। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन थ्री। तो नेक्स्ट रही जिज्ञासा। तो जिज्ञासा माने होची जानिबार इच्छा जानिबार इच्छा को जिज्ञासा कहा जाए। तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन असमाहित। असमाहितर अर्थ कौन जहाँ समाधान अच्छी। तो यह हम ना जहाँ असमान अटे तो यह हेबना जहाँ सामान अटे ताबना। तो करेक्ट आंसर टी कौन हम जहाँ समाधान ना तो जहाँ समाधान ना कहुए असमाहित। तो ऑप्शन टू हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रासाद। तो प्रासाद माने कौन बड़ कोठा घर। प्रासाद माने होची बड़ कोठा घर आ प्रसाद प्रसाद माने होची भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध बनान शब्दटी बाछ। तो यह शुद्ध अशुद्धर गोटे प्रश्न रही। तो म्रियमाण किपर होता है देखु म्र तापर मरे हर्षकार लगी था य माण म्रिय माण। तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन वन म्रिय माण। तो म्रिय मान हो न थाए मरे दीर्घिका लग न थाए म्रिय मण मध्य हो न थाए। तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन वन। तो नेक्स्ट रही जीके रो दस टी क्वेश्चन रणथंबोर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन डैश। तेज रणथंबोर टाइगर रिजर्व केउठारे रही रही राजस्थान रे। ऑप्शन टू हो जाए करेक्ट आंसर। तापर देखु गुजरात। तो गुजरात रही
गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखो ओडिशा, ओडिशा रे रही सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व के उठा रही राजस्थान रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू टेस्ट, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कहा सहित रिलेटेड अटे, तो यार करेक्ट आंसर टी हो जूट। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट सहित रिलेटेड अटे। तो तापर देखु मिल्क, तो मिल्क प्रोडक्शन को कौन कह जाए व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जाकि मिल्क। और फिश रिलेटेड कौन अटे ब्लू रिवॉल्यूशन, तो फिश रिलेटेड रिवॉल्यूशन होची ब्लू रिवॉल्यूशन। और जूट को जाकि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन महात्मा गांधी केम टू ओडिशा, तो महात्मा गांधी केबे ओडिशा आसी थिले, तो महात्मा गांधी 1921 मसीह रे ओडिशा आसी थिले। तो करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इज फॉर्म बाय डैश, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किए गठन करथिले सुभाष चंद्र बोस, तो ऑप्शन थ्री हो जिवो एठरे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूक बायसो पॉन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम, तो रूक बायसो और पॉन तो यह क्यों गेम सहित रिलेटेड अटे, तो यह चेस सहित रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट इन अरावली इज डैश, तबे अरावली रेंज रो हाईएस्ट पॉइंट कोटा, तो यह होची गुरु शिखर, तो अरावली रो हाईएस्ट पॉइंट होची गुरु शिखर। और अरावली होची ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, तो अरावली होची ओल्डेस्ट माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल टेस, तबे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाई क्यों आर्टिकल रे मेंशन रही, तो यार आर्टिकल होची आर्टिकल 368, तो ऑप्शन थ्री हो जिवो एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एयरक्राफ्ट फ्लाइज, तो एटमॉस्फेयर रो क्यों लेयर रे एयरक्राफ्ट जाय थई, तो यार करेक्ट आंसर टी होची स्ट्रेटोस्फीयर, तो एटमॉस्फेयर रो स्ट्रेटोस्फीयर रे एयरक्राफ्ट फ्लाइज करि थई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हावर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ हाउस इज नोन एज डैश, तबे जो राज्यसभा एवं लोकसभा रही, तो ये दुईटी हाउस रे जो सिटिंग होता है, तो से प्रथम गोटे घंटा को कौन कह जाए, तो यह कह जाए क्वेश्चन आवर, तो ऑप्शन वन हो जाए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट रही ओडिशा जीके रो 10 क्वेश्चन, ओडिशा शेयर इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट, तो ओडिशा यार बाउंड्री केतोटी राज्य सहित शेयर करी, तो यार करेक्ट आंसर टी होची 4, तो ओडिशा तार बाउंड्री चारोटी राज्य सहित शेयर करी, तो से गुड़िक होची छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा शेयर दे आर बॉर्डर्स विथ छत्तीसगढ़, तबे छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा ओडिशा रो केतोटी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करी, तो यार करेक्ट आंसर टी होची 8, तो ओडिशा रो 8 डिस्ट्रिक्ट जहाँकि छत्तीसगढ़ सहित तार बॉर्डर शेयर करी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एरिया ऑफ ओडिशा इन स्क्वायर किलोमीटर इज डैश, तबे ओडिशा
एरिया केते स्क्वायर किलोमीटर तो यार करेक्ट आंसर होची 1,55,707। तो ऑप्शन वन हो करेक्ट आंसर। तो 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर होची ओडिशार एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा अकाउंट्स डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तबे इंडिया रो केते परसेंट होची ओडिशार एरिया। तो यार करेक्ट आंसर टी होची 4.87%। तो इंडिया रे ओडिशार एरिया केते परसेंट अटे 4.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया। तो एरिया वाइज ओडिशा इंडिया रे केते नंबर अटे। तो यार करेक्ट आंसर टी होची 8th। तबे ओडिशा होची 8th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो एरिया वाइज 8 नंबर रे रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज इन ओडिशा इज डैश। तबे एरिया वाइज ओडिशार स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोटा। तो यह होची जगतसिंहपुर और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट होची मयूरभंज। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट होची मयूरभंज और स्मॉलेस्ट होची जगतसिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच सिटी ऑफ ओडिशा। तबे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओडिशार क्यों सिटी दे जाइछि। तो देखंतु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओडिशा दे जाय नहीं। तो करेक्ट आंसर टी कोन हबो नॉन ऑफ एबव। तो ऑप्शन डी हो जे पठरे करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज टू द डैश ऑफ ओडिशा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओडिशार क्यों डायरेक्शन रे रहिछि। तो यह ओडिशार नॉर्थ रे रहिछि। तो ऑप्शन सी हो जी बटरे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन ओडिशा इज एस्टिमेटेड आज डैश। तबे ओडिशार एवरेज एनुअल रेनफॉल केते। तो 1500 मिलीमीटर। तो ऑप्शन ए हो जी बटरे करेक्ट आंसर।